नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टमाटर की बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी। इसे आप आसानी से बना के खा सकते हो। चटनी, अगर आपको सब्जी नहीं पसंद आ रही है, आपको नहीं अच्छी लगती है, तो आप इसे बना के खाना इंजॉय कर सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, तो चटनी बनाने चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आए। तो चलो चलते हैं टमाटर की चटनी बनाने। मैंने ले लिया है थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़े से पुदीना के पत्ते रखे थे मैंने, वो भी ले लिए। और मैंने 3 हरी मिर्च इनको काट लिया। हरी मिर्च आप कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको कम तीखा पसंद है कम कर सकते हो। चलो अब हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। हमने ये चॉपर ले लिया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी, उनको डाल देती हूँ। डाल दूँगी पुदीना पत्ते लिए थे उनको भी, और थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें धनिया पत्ते, इनको थोड़ा मैं काट लेती हूँ। अगर पीसने में दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्के से काट के इसमें मैं इनको डाल दूँगी। और इनको पहले मैं इनको चॉप करूँगी, बाद में टमाटर और लहसुन को डालूँगी मैं। इसको मुखल तह के इसको चॉप कर दूँगी अच्छे से, और इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। ज़्यादा फाइन पीस नहीं बनाना, मैं हल्का सा चॉप कर लेना है, क्योंकि टमाटर के साथ हम ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे, टमाटर ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। तो हमें इसे चॉप कर लेना है। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये थोड़ा सा बारीक हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और लहसुन। तो हमने जो लहसुन कनी आई थी उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं, और जो हमने टमाटर पेस्ट बना के रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको फिर से बंद करके चॉप कर लेंगे। और इसे फिर आप चॉप कर लेते हैं चलाते हुए अच्छे से। ज़्यादा हमें फाइन पीस नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पतली नहीं करना है, थोड़ी सी इसे दरदरी सी रखना है। तो हमें इस तरह से चटनी को रखना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। तो इसको हम इस बर्तन में निकाल देते हैं अलग से। अब इसमें डालेंगे हम इसके सारे मसाले जो हमें इसमें ऐड करने हैं। ज़्यादा मसाले तो नहीं ऐड करने, नॉर्मल मसाले ऐड करने। तो इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक, तो मैंने लिया इसमें आधा चम्मच नमक। इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब मसालों को। चटनी में खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी, चटनी जो भी बोले इसे सब्जी भी बोल सकते हैं। तो आप सब्जी भूल जाओगे इसके आगे, इतना टेस्ट आएगा चटनी में। तो ये हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। अगर आपको ऑयल इसमें पसंद है, कच्चा ऑयल आप सरसों का खा सकते हो, तो आप इसमें सरसों का ऑयल मिला सकते हो। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं लाऊंगी, क्योंकि हमें सरसों का ऑयल कच्चा अच्छा नहीं लगता है खाने में, किसी को भी पसंद नहीं आता, उसकी अलग स्मेल आती है। तो आप इसे ऐसे ही खा के इंजॉय करना। तो हमारी टमाटर की चटनी बनके हो गई है तैयार। देखो कितनी अच्छी लग, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी ये चटनी। तो आप इसे बनाकर जरूर एक बार ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जरूर आपके लिए सिंपल और टेस्टी वीडियो लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।